पहाड़ों की सुंदरता किसे अपनी ओर नहीं खींचती, किसे पहाड़ों पर जाना पसंद नहीं होता। पहाड़ों पर जाने पर परिशुद्ध पर्यावरण और एक शांति जो है वो मिलती है। पहाड़ों पर घूमने के लिए लोग लद्दाख जाते हैं और हजारों रुपए फूंक देते हैं। लेकिन अपने झारखंड में भी कई ऐसे पहाड़ हैं जहां अगर प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे दे तो वहां की भी तस्वीर बदल सकती है। अब तो लोग भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि आखिर तमाम उत्तराखंड की बात कर ले, लद्दाख की बात कर ले, इतना विकसित है तो झारखंड इतना पीछे क्यों है, जबकि तमाम संसाधन झारखंड में मौजूद है। अगर बात करें गुमला के, तो गुमला के पालकोट प्रखंड के देवगांव स्थित प्राचीन और धार्मिक ऐतिहासिक स्थल की पर उदासीनता के कारण बर्बाद हो रहा है। लोगों ने भी सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि आखिर प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ना ही सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से ध्यान दिया गया, जिसके कारण यह स्थान जो पहचान और स्थान मिलती थी वह नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों को भी काफी आक्रोश इसे लेकर है कि उनका इलाका जो है वो बर्बाद हो रहा है। बता दें कि गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो आदिवासी बहुल पिछड़ा हुआ जिला होने की पहचान के साथ साथ पर्यटन स्थल के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थलों को अपने आप में समेटे हुए है। बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई ध्यान गुमला जिले पर नहीं पड़े, इन स्थलों का सही रूप से विकास नहीं हो पाया। ऐसे में स्थान में एक गुमला जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित पालकोट प्रखंड के देवगांव स्थल है। यह काफी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता वाले एक मंदिर मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोग काफी वर्षों पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। बड़ी बात है कि अन्य स्थानों पर आपने देखा होगा कि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, मंदिर का कोई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मंदिर पूरी तरह से पहाड़ के गुफा में मौजूद है, जहां भगवान शिव और माता की मूर्ति विद्यमान है, जिसकी पूजा अर्चना करने लोग दूर दूर से यहां आते हैं। लेकिन यहां की बदहाली देखकर सवाल पुल जो है वो खड़ा करते हैं सरकार और प्रशासन पर। आपको सुनाते हैं कि यहां घूमने आए लोगों ने क्या कुछ कहा और कैसा अपना दुख जाहिर किया है। स्थान का नाम देवगांव है, यहाँ बुढ़वा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन मंदिर है, मगर गांव देहात के चलते बहुत लोग जानते नहीं है, विकास नहीं हो पा रहा है, विकास होना चाहिए। और यहाँ आकर कैसा लगता है? आकर बहुत अच्छा मौसम है, इधर उधर देखिए पहाड़ है, जंगल है, जंगल के बीच में है, और सबसे बड़ा चीज कि यहाँ कोई मंदिर बनाया हुआ नहीं है और पहाड़ के गुफा में ही मंदिर है। हाँ। और अंदर में शिव जी का स्थान, मतलब जो शिवलिंग है, काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, सुंदर है। अभी एक पुजारी जी रहते हैं जो कि विधि व्यवस्था कुछ बनाए हुए हैं अपना, मतलब काफी आकर्षक है, काफी आकर्षक है, जिसमें कि विकास का आवश्यकता है। यहाँ जो हम लोग पोजेगंज के बगल में देवगांव जगह का नाम है, वहाँ आए जो पहाड़ के एकदम गुफा में है और बहुत अद्भुत चीज देखने को मिला है यहाँ। और यहाँ शिव भगवान जो है एकदम बृहत रूप से प्राकृतिक का दिया हुआ चीज है जो देखने लायक है, और इसको देखने से ये अद्भुत लगता है कि कोई जगह में आए, यानी काफी आकर्षक है, और देखने में काफी आकर्षक है, इसे डेवलप गवर्नमेंट को किया जाना चाहिए। आके तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके यहाँ का जो सुंदरता है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, जो यहाँ पे लोकल झारखंड के लोग हैं वो आ सकते हैं और बाहर से भी लोग आ सकते हैं, तो एक केंद्र बन सकता है जहाँ पे लोग आके यहाँ झारखंड की सुंदरता को भी देखें। और इस तरफ भी आप देखें तो पहाड़ का बहुत अच्छा नज़ारा है, जो कि मैं कहूँगा कि लगभग सिमिलर है जो टूरिस्ट की ज़रूरत होती है, और इस हिसाब से झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है तो ध्यान दें और इस जगह को आगे बढ़ाएं। तो साफ तौर पर आपने कहा सुना कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ की बदहाली है, इसके जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक है। गुमला में केवल यही एक अच्छी पहल नहीं है जो पूरी तरह सरकार और प्रशासनिक उदासीनता के कारण से बर्बाद हो रहा है। ऐसे कई स्थान हैं जो प्रशासन की ओर से आज तक ध्यान नहीं दिए जाने के कारण बदहाली के रास्ते पर है। अगर यहाँ पर पर्यटन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन ध्यान दे तो यहाँ पर रोजगार के भी साधन जो है वो आएंगे, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा, लोगों का
हुजूम यहाँ पहुँचेगा तो स्थानीय लोगों को कई तरह के रोजगार करने के भी मौके मिलेंगे। गुमला से सुशील सिंह की रिपोर्ट।